नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टर ए टू जेड इन्फॉर्मर में। दोस्तों, हिंदुओं के चार धामों में से एक है बद्रीनाथ धाम, जिसे सतयुग का धाम भी कहा जाता है। दोस्तों, हिंदुओं के चार धाम भारत के चार अलग अलग कोनों में स्थापित है। उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ धाम है, तो वहीं दक्षिण में स्थित है रामेश्वरम धाम। इसके अलावा पूर्व में स्थित है जगन्नाथपुरी धाम, तो वहीं पर पश्चिम में स्थित है द्वारका धाम। और आज हम आपको बद्रीनाथ धाम के कंप्लीट डिटेल्स देने वाले हैं। यह कहां पर स्थित है, कैसे पहुंचा जा सकता है, कितना खर्च लगता है, बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर और कौन कौन से स्थान हैं यहां पर घूमने के लिए। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले में नर और नारायण पर्वतों के बीच में स्थित है। इसे सतयुग का धाम भी कहा जाता है। दोस्तों, उत्तराखंड में जो छोटी छोटी चार धाम यात्रा होती है, उसमें बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी होती है। लेकिन हिंदुओं के जो प्रमुख चार धाम हैं, वो हैं बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और जगन्नाथपुरी। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित बेहद ही पवित्र मंदिर कहा जाता है। यह हिमालय का पूरा क्षेत्र पहले भगवान शिव का हुआ करता था, और एक बार भगवान विष्णु यहाँ पर आए और अलकनंदा नदी तट पर पहुँचे, तो उन्हें ये जगह योग ध्यान के लिए बेहद ही पसंद आई। भगवान शिव से यह भूमि लेने के लिए भगवान विष्णु ने बालक का रूप धारण किया और रोने लगे। रोने की आवाज़ सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती जब यहाँ पहुँचे, तो उस बालक ने उनसे इस स्थान को मांग लिया। तब से ये पवित्र स्थान बद्री विशाल के नाम से प्रसिद्ध है। तब से यहाँ पर भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये चार धाम कब खुला रहता है और आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के बारे में आपको बता दूँ कि बद्रीनाथ धाम साल में केवल 6 महीने ही खुला रहता है। गर्मियों के मौसम में केवल 6 महीने ही इसके कपाट खुलते हैं। इसके अलावा सर्दियों में नवंबर से लेकर अप्रैल तक यहाँ के कपाट बंद रहते हैं। तो जिनको भी दर्शन करने होते हैं, वो केवल गर्मियों के समय ही यहाँ पर दर्शनों के लिए आ सकते हैं। बाकी टाइम यहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा गिर जाती है, जिस कारण यहाँ पे मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और कोई भी यहाँ पर दर्शन के लिए आ नहीं सकता है। कपाट खोलने और बंद करने की तारीख यहाँ के धर्माचार्य ही तय करते हैं, और यह लगभग दिवाली के समय यहाँ के कपाट बंद हो जाते हैं, और उसके बाद फिर अप्रैल मई के समय दोबारा खोल दिए जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर यात्रा चलती रहती है। अब बात की जाए कि यहाँ पर पहुँच कैसे सकते हैं, तो आपको यहाँ पर पहुँचने के लिए सबसे पहले आप जिस भी शहर में रह रहे हैं, आपको वहाँ से आना होगा हरिद्वार में या ऋषिकेश में। ये दोनों शहर आसपास ही हैं, तो आपको सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश, इन दोनों जगहों तक पहुँचना होगा। हरिद्वार और ऋषिकेश तक आप बस और ट्रेन दोनों के ही माध्यम से पहुँच सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं, तो यहाँ का जो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है, वो है जॉली ग्रांड एयरपोर्ट, जो कि ऋषिकेश से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको आना है हरिद्वार या ऋषिकेश। अब बात करते हैं कि हरिद्वार और ऋषिकेश से बद्रीनाथ कैसे पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम की दूरी जो है, वो है लगभग 290 किलोमीटर। तो यहाँ तक आप बस, टैक्सी, कार या फिर बाइक से भी आ जा सकते हैं। और बद्रीनाथ धाम तक कोई डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा नहीं है, तो आप बस, टैक्सी, कार या बाइक से ही यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब बस की बात की जाए, तो बद्रीनाथ धाम के लिए जो बसें चलती हैं, वो सुबह सुबह हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगहों से ही चलती हैं। सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक यहाँ से बसें चलना शुरू हो जाती हैं, जिनका किराया लगभग 600 रुपये है। बसें शाम को 7 से 8 बजे तक बद्रीनाथ तक पहुँचा देंगी। यह सबसे सस्ता ऑप्शन है बद्रीनाथ तक जाने का। यह बसें आपको हरिद्वार बस स्टेशन और ऋषिकेश बस स्टेशन से मिल जाएंगी। अब अगर आप कार से जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में बहुत सी ट्रेवल एजेंसी हैं, जो आपको बस, टैक्सी, कार और हेलीकॉप्टर की सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। जैसे ही आप बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारी ट्रेवल एजेंसी आपको नज़र आ जाएंगी। तो आपको जिसके भी रेट सही लगे, आप वहाँ पर जाके कार और बाइक वगैरह बुक करा सकते हैं, जिनका चार्ज अलग अलग रहता है। जैसे अगर कार की बात की जाए, तो स्विफ्ट की जो कार है, दिन का उसका चार्ज लगभग 3,500 रहता है। और अगर बाइक की बात की जाए, तो अलग अलग बाइक का रेंट अलग अलग होता है। जैसे नॉर्मल बाइक का रेंट, उसकी बात की जाए, तो 1,000 पर डे के हिसाब से यहाँ पे बाइक का रेंट रहता है।
तो इस तरह से आप अपनी सुविधा अनुसार गाड़ी लेकर निकल पड़िए बद्रीनाथ धाम के लिए। और जब भी आप बद्रीनाथ धाम आए तो एक दिन पहले ही आ जाएं, और अगर आप गाड़ी से जाना चाहते हैं तो गाड़ी वगैरह भी एक दिन पहले ही बुक करा लें, क्योंकि ऑन द स्पॉट कई बार गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से सुबह सुबह निकल पड़िए बद्रीनाथ धाम के लिए। इसके बाद शाम को बद्रीनाथ पहुँच के सबसे पहले रूम का इंतजाम करना है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में जो बसें हैं वो सीधे मंदिर के आसपास ही पहुँचाती हैं, तो यहाँ पे चढ़ाई वगैरह बिल्कुल नहीं है और मंदिर के पास ही मंदिर पास में ही है, तो यहाँ पे बिल्कुल पैदल चलने की चढ़ाई नहीं है। और मंदिर के आसपास बहुत सारी धर्मशालाएँ भी हैं, तो जहाँ पे आपको 500 रुपये तक रूम मिल जाते हैं, लेकिन सीज़न में धर्मशालाएँ फुल रहती हैं तो रूम मिलना मुश्किल हो जाता है। इस कंडीशन में आप होटल में रूम लेकर रह सकते हैं, जिनका चार्जेस 1,000 से 4,000 तक रहता है। और अगर आपका बजट कम है तो यहाँ पर हॉल वगैरह भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पे हॉल में कई सारे बिस्तर लगे होते हैं जिनका चार्ज 300 से 500 रुपये तक रहता है। तो इस हिसाब से अगर आपका बजट कम है तो आप 300 रुपये का बेड लेकर भी यहाँ पर रुक सकते हैं। और खाने पीने की बात की जाए तो जो सबसे सस्ती थाली यहाँ पर बैठती है 150 से 200 रुपये तक के बीच में मिलती है। यहाँ खाने का रेट थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि यह जगह बहुत ही ऊँचाई पर है और यहाँ पे सामान पहुँचाना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ खाने पीने की चीज़ें थोड़ी महंगी हैं। इसके बाद दोस्तों, खाना खा के रात को सोने के बाद सुबह निकल पड़िए बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए। बद्रीनाथ धाम में पैदल चढ़ाई बिल्कुल नहीं है और यहाँ से मंदिर बिल्कुल आसानी से पैदल ही पहुँचा जा सकता है। और जो बुज़ुर्ग हैं जो बिल्कुल भी नहीं चल सकते हैं, उनके लिए डोली वगैरह भी रहती है जिनका चार्ज अलग अलग रहता है। और जो मंदिर है वह सुबह सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक खुला रहता है। दर्शन के लिए आप इस दौरान कभी भी जा सकते हैं। सबसे अच्छा रहेगा कि आप सुबह ही दर्शन के लिए निकल जाइए ताकि आप और जगहों पर भी घूम सकें। मंदिर के लिए जब आप जाते हैं तो आपको मंदिर के किनारे ही अलकनंदा भी बहती हुई दिखाई पड़ जाएगी। यहाँ का जो दृश्य होता है वह बेहद ही शानदार होता है। मंदिर में जाने से पहले आपको यहाँ पे तप्त कुंड भी दिखाई देंगे। मंदिर में दर्शन करने से पहले यहाँ स्नान करिए और उसके बाद ही मंदिर में दर्शन के लिए जाएं। इस तप्त कुंड में स्नान करने का एक विशेष महत्व है और इस तप्त कुंड की खासियत है कि यहाँ पर पानी हमेशा गर्म मिलता रहता है, जबकि इस पूरे इलाके में आपको बहुत ही ठंडा पानी मिलेगा क्योंकि यहाँ का इलाका बहुत ही ठंडा है। इसके बावजूद यहाँ का तप्त कुंड हमेशा गर्म पानी ही निकलता रहता है। अब दोस्तों, यहाँ तप्त कुंड में स्नान करने के बाद मुख्य मंदिर में दर्शन के लिए जाएं। यहाँ पे जो मंदिर की बनावट है वह बेहद ही खूबसूरत है, जो भी भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इस तरीके से पहले आप कर लीजिए दर्शन और 9 से 10 बजे तक आपको दर्शन यहाँ पर हो जाएंगे। अब आप चाहें तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर माना गाँव में भी दर्शन के लिए जा सकते हैं, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस जगह है क्योंकि इस गांव में बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहीं पर सरस्वती नदी है और पांडव भी स्वर्ग की यात्रा के दौरान यहीं से होके गए थे। तो इन सब जगहों के दर्शन के लिए भी यहां माना गांव में लोगों की अच्छी खासी भीड़ आती है। माना गांव में जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं चलती है, अगर आप अपनी गाड़ी से आए हैं तो आप वहाँ तक जा सकते हैं, नहीं तो आप पैदल ही यहाँ तक पहुँच सकते हैं। केवल 3 किलोमीटर का ही रास्ता है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस गांव को भारत का प्रथम गांव भी कहा जाता है। इस गांव के आगे लोग नहीं रहते हैं, इसके बाद से ही यहां से हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही आप इस गांव में पहुंचेंगे तो आपको बहुत सी पुरानी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि प्राचीन गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती नदी, वसुधारा वाटरफॉल, भीम पुल, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो यहाँ इस गांव में एक रात रुक भी सकते हैं। यहाँ पर होम स्टे भी बने हुए हैं जिनका चार्ज 1,500 से 3,000 रुपये तक का है। यहाँ जो व्यास गुफा है, इसके बारे में कहते हैं कि पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने यहीं से गुफा में बैठकर की थी और भगवान गणेश गुफा में बैठकर पुराणों को लिख रहे थे। कहते हैं कि सरस्वती नदी यहाँ पर बहुत शोर मचा रही थी, तब गणेश जी ने सरस्वती जी से आग्रह किया कि आप शांत हो जाएं ताकि मैं पुराणों की रचना कर सकूं। लेकिन जब सरस्वती नदी फिर भी नहीं मानी
तो गणेश जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि आप आज के बाद अदृश्य रूप में बहेंगे और किसी को दिखाई नहीं देंगे। इसलिए सरस्वती नदी यहीं तक दिखाई देती है, इसके आगे सरस्वती नदी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। इसके अलावा पांडव जब अपनी स्वर्ग यात्रा पर निकले थे तो वो भी इसी गांव से होकर गए थे। जब वो यहाँ से होकर गुजर रहे थे तो भीम ने सरस्वती नदी को पार करने के लिए उस पर एक भीम पुल भी बनाया था, जिसे आज भी देखा जा सकता है। तो अगर आप बद्रीनाथ धाम यात्रा पर आते हैं तो इन सभी स्थानों पर घूमना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, इस तरह से ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने और घूमने में 3 दिन का समय लग जाएगा। इस यात्रा के दौरान आपके कम से कम 4,500 रुपये का खर्च आएगा। तो इस तरह से आप बद्रीनाथ धाम भी यात्रा कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। कि बद्रीनाथ धाम से जुड़ी कोई भी जानकारी आप चाहेंगे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।